से मन की प्रेम के सारे रूप सजना प्रेम चेत की कभी चांदनी कभी जेठ की धूप सजना सजना दुनिया तुम्हारी आंखों से हो देखना चाहूं मेरे सजना सतनाम श्री वाहेगुरु आज मैं तुमसे जो कहने जा रहा हूं ना आज तक किसी बाप ने अपनी बेटी से नहीं कहा होगा नहीं कहा होगा पिताजी क्या सारी जिंदगी कुआरी बैठी रहना मगर पिताजी लाके से शादी मत करना लाके से शादी कभी मत करना पिताजी कभी मत करना क्योंकि लाखे का मकसद तुमसे ब्याह करना नहीं हमारे खानदान को बर्बाद करना है पुताजी हमारे खानदान को बर्बाद करना है उससे उसे ब्याह नहीं करना पुताजी श्री वाहेगुरु सत्य श्री वाहेगुरु वाहेगुरु जी मेरी मदद करो
दादी कुछ बोली है ना, अब बोलते क्यों नहीं? दादी कुछ बोली है। सिमरन पुत्र देख, मैं दादी कुछ बोल नहीं रहे। मेरी दादी को क्या हो गया? दादी बोलिए ना जी। आप सब लोग यही रुकिए। मम्मी जी, देखिए पेशेंट को मेरे से हार्ट अटैक आया है, ऑपरेशन हो चुका है। डॉक्टर घबराने वाली कोई बात तो नहीं है ना? देखिए मैं आपको अंधेरे में नहीं रखूंगी, मैंने उनकी केस हिस्ट्री पढ़ी है। अभी कुछ दिन पहले उन्हें अटैक आ चुका है और इतनी जल्दी दूसरा अटैक, इट्स वेरी डेंजरस। देखिए 24 घंटे में उन्हें होश आना बहुत जरूरी है और अगर नहीं आया तो ये पेशेंट के लिए अच्छा नहीं। देखिए कई बार दवा से ज्यादा दुआ असर करती है, तब भगवान से दुआ कीजिए।
मिल रही थी तो उसने वो भी ना खाई गई। बेबे गलती तो मेरे से हुई है, लेकिन बेबे मेरी इस गलती में तू भी बराबर के जिम्मेदार है। बेबे बात तो मैं तेरे से कर रहा था ना उस वक्त। ओए खुदिया, मुझे पता होता कि तू उनके घर में बैठकर अपनी ही जड़ें काट रहा है तो तेरे हलक से तेरी जुबान ना खींच लेती। बेबे अब जो हुआ सो वो मिट्टी डाली इस बात पर, अब सिर्फ आगे की सोच। आगे की तो यही है पुत्र कि अगर गुरनाम सिंह बच गया तो ना तो वो तुझे छोड़ेगा और ना मुझे। बात तो तेरी सही है बेबी, कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। तो सोच पुत्र, जल्दी सोच कि घर आई इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो सोचा कुछ? ओए बेबे सबर कर बेबे, सोच रहा हूँ। बेबे सोचा होता तो बता नहीं देता। पर खुद तू क्या सोचेगा, इधर आ। अब तो हमें एक ही चीज बचा सकती है। ओ बेबे वो क्या है? गुरनाम सिंह की मौत। अगर हमें जिंदा रहना है तो गुरनाम सिंह को तो मारना ही होगा।